सीट की हालत देख के बता नहीं सकते कि क्या हालत हो रही है मेरी। इतनी गर्मी लग रही है, अभी तक तो बिल्कुल छाँव थी और अभी सोचो मत। तो टेम्पररी पार्किंग जो है यहाँ पर कर दिया है और निकलते हैं। चलो अभी, हे भगवान, राइडिंग जैकेट में इतना गर्म होता है, बाप रे। हालांकि इसको वेंट्स है, जैसे बाहर निकलेंगे हवा चालू होगी तो पूरा अंदर ठंडा कर देता है, लेकिन जब रुके हुए रहेंगे ना भाई साहब, ये पूरा भट्टी हो जाता है अंदर से। तो ये था ओज़र टेम्पल जो आपने देखा। अभी धूप को तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कड़ी धूप रहेगी करके। आज मैंने वो फोरकास्ट देखा था, वेदर फोरकास्ट, तो थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा था आज, मतलब मौसम खुला रहेगा ऐसे दिखा रहा था, क्लाउडी रहेगा, लेकिन ये तो भाई साहब क्लाउडी नहीं है। तो 109 किलोमीटर अप्रोक्स हो गया ये घर से निकल के। और अभी इंटरेस्टिंग पार्ट तो लेनेन्द्री है, जो अभी चढ़ना पड़ेगा ऊपर 300 सीढ़ियाँ, तब जाके पता चलेगा कि धूप में पहाड़ चढ़ना क्या होता है। 14.5 किलोमीटर, तो यही रोड है। तो मस्त हरा भरा इलाका शुरू हो गया है। तो हो रहा है भाई साहब, अंदर पूरी भट्टी बन गई है जैकेट, मतलब अभी थोड़ी हवा जा रही है। तो नहीं, क्या है, नर्सरी है शायद, हाईटेक नर्सरी। ऑनियंस रखे हुए हैं यहाँ पर स्टोर करके। वाह, वो देखो, वहाँ पे जाना है हम लोग को। वहाँ कोई तो भी पहाड़ है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा या फिर दिख भी नहीं रहा है सही से, लेकिन उसी में से एक है, तो वहाँ पे जाना है। और ये जो पूरा हरा भरा इलाका है, ये क्रॉस करते हुए जाना है हम लोग को। दिल को ना एक सुकून आता है यार, ऐसी जगह पे आएंगे तो बहुत बढ़िया। ये काले बैंगन है लगाए हुए रोड पर, देख सकते हो, जो हम लोग खाते हैं बड़े वाले, ये उसकी खेती है। कितने बढ़िया आए हुए हैं अभी छोटे छोटे, यहाँ पर बड़ा भी है। बढ़िया लग रहा है देख के। मस्त खेती की हुई है यहाँ पे। ऑनियंस रखे हुए हैं, देखो कितने सारे ऑनियन है भाई साहब, ट्रक से भर कर जाएंगे ये सारे। और अभी मैं दिखा तो आपको लेने अंतरिक, यहाँ से दिख रहा है सामने। यार मार्शिस घाट 33 किलोमीटर है सिर्फ यहाँ से, जाने का सोच रहा हूँ। देखते हैं अभी कितने बजे, 1:30 बजे, अगर 2:30 या 3 बजे तक हम लोग नीचे उतर आए ना वहाँ से ऊपर से, तो प्लान कर सकते हैं। हार्डली आधे घंटे का रोड रहेगा 30 किलोमीटर जाना, वो तो बिल्कुल यहाँ से ही जाना है सामने से, तो वो भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक थोड़ा लंबा हो जाएगा। मार्शिस घाट भी देखने जैसा है, बहुत सारे पिक्चर्स की शूटिंग होती थी वहाँ पे, और शायद अभी भी होती है क्योंकि वो मुंबई से काफ़ी पास में। वो वहाँ पे दिख रहा है लेनेन्द्री आपको, वो वाला जो पर्वत है वहाँ पे जाना है, वो जब पहाड़ बोल सकते हैं, वहाँ पे जाना है हम लोग को। तो जस्ट 10 किलोमीटर्स बचा है अभी, आगे से जाके एक लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट मारेंगे, और फिर लेफ्ट मार के फिर राइट मारेंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। गाड़ी नीचे पार्क करेंगे और चलते चलते ऊपर चले जाएंगे। तो ये आ गए हम लोग बाहर, ये देखो फूल वगैरह की खेती की हुई है मस्त। यहाँ पे जाना है हम लोग को, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जुन्नर जो है ये 8.5 किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर लेनेन्द्री, और अहमदनगर भी यहाँ से जा सकते हो जो कि 106 किलोमीटर है टोटल। तो चलो फिर पहला लेफ्ट मार लेते हैं। यार सच में मौसम ऐसा हो गया ना अभी बढ़िया वाला यहाँ पर आने के बाद कि बता नहीं सकते। जस्ट 6 किलोमीटर बचा है, तो हार्डली 10 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग, 10 से 12 मिनट में। देखो कितने अच्छे फूल लगाए हुए हैं।
यहाँ पे भी है, बहुत सी खेती होती है यहाँ पर फूलों की और सब्जियों की। तो ये आ गए हम लोग लेने अंदर ही। अरे बेचारा कौवा मर गया, शॉक लग गया लगता है उसे। तो ये जगह की खासियत है कि यहाँ पे ग्रेप्स की खेती बहुत ज़्यादा होती है ग्रेप्स के सीज़न में, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे खेत लगे हुए हैं। क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये ग्रेप्स के लिए अच्छा रहता है। तो ये इलाके में मतलब नारायणगांव जुन्नर ये इलाकों में ग्रेप्स की खेती ज़्यादा होती है। तो जब समर टाइम्स में वगैरह आते हैं, जैसे हल्दी लगी हुई है यहाँ पर, केले भी लगे हुए हैं, और अभी हम लोग को जाना है वहाँ पर। बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और ऊपर चढ़ते हुए जाना है। देखो ये साइकिलिंग ग्रुप भी आया हुआ है, पता नहीं कहाँ से आए ये, लेकिन चला के आए। हम लोग तो ठीक है, एटलीस्ट बाइक पे आए, ये लोग साइकिल चलाते हुए आए। सोचो तो ये देखो आ गए हम फाइनली लेनाद्री। तो बुद्धिस्ट मॉन्ग जो है उनके घर यहाँ पर थे ऐसा बोला जाता है। तो ये 3rd सदी में कुछ बनाया गया है, और आगे डिटेल्स तो मैं आपको दूंगा ही वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो बाकी के घर हैं ये बुद्धिस्ट मॉन्ग वहाँ पे रहते थे ऐसा बोला जाता है। और एक जो अभी जा रहे हम वहाँ पे एक कंपार्टमेंट में, मतलब छठे कंपार्टमेंट में गणेश जी बसे हुए हैं। तो भगवान गणेश जी के दर्शन करने हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली। और देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत हो गया है, बिल्कुल हरा भरा, गणपति के सीज़न में वगैरह ये पूरा भरा रहता है। अभी यहाँ पे 2-व्हीलर पार्क कर देंगे अपनी पार्किंग में अच्छे से और निकल जाएंगे। देखते हैं अभी 2-व्हीलर लगाने के लिए कहाँ पे जगह है। पीएन पार्क भी है यहाँ पर, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ऊपर की पार्किंग में लगाओ बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, इसके लिए चार्जेस नहीं ये लग रहा है। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 2:00 PM, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया, ये पार्किंग है पूरा, यहाँ पे जाना है हम लोग को। तो चलिए फिर ट्रैक चालू करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर पहुँचने में, और ऊपर से आपको एक अच्छा बढ़िया वाला नज़ारा देते हैं। तो चलिए फिर ट्रैक शुरू करते हैं अपना। ये भी यहाँ पे ऑप्शन है, जिनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते इन लोग को लेके जाते हैं, 1000 रुपये लेते हैं। और बच्चों के लिए टिकट्स नहीं है, बड़ों के लिए सिर्फ 25 रुपीज़ टिकट है, यहाँ पे टिकट काउंटर है। चलो अभी टिकट ले लेते हैं। 8-10 स्टेप्स में ही हालत ख़राब हो गई, अभी तो पूरा ऊपर तक जाना है। दोन 50 रुपये एक। वो 25 रुपीज़ टिकट है, और ये ऐसे कुछ टिकट है, यहाँ पे चेक करेंगे, स्कैन करने लेंगे। तो ट्रैक को चालू कर दिए गाइस, लेकिन सिक्योरिटी वाला चिल्ला रहा था वीडियो शूटिंग करने के लिए, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को। ऊपर ठीक है, अलाउड नहीं है, नीचे से क्या प्रॉब्लम है। देखते हैं अभी कितना तो चढ़ के आए, नीचे टिकट के यहाँ पे चेक कर रहे थे।
तो गाइज इतना चढ़ के आ गए हम लोग नीचे से ऊपर, और यहाँ तक है, यहाँ पे जाना है ऊपर, और आप भी वो देखो यहाँ से उसी रोड से आए थे सामने से जो दिख रहा है आपको सीधे सीधे, और देखो ग्रीनरी यहाँ पे, बंदर बहुत सारे, कैमरा भी छीन सकते हैं। ये देखो वहाँ पे नीचे देख रहे हैं, देख पा रहे हो आप, यहाँ पता नहीं कैसे भी आ जाते हैं। पानी भी बह रहा है ऊपर से आया हुआ, ये देखो तो ये जो अभी हम लोग ने देखा, ये घोड़ों को रखते थे यहाँ पे, देख सकते हो कहीं पे भी ना ऊपर किसी विंडो वगैरह नहीं है, एक पूरे पत्थर में ये बनाया हुआ है, कैसे पॉसिबल है। और इसका खासियत है कि मंदिर के भी और इसकी भी अंदर पूरा लाइट जाएगा आपका, जब से सूरज उगेगा भले अंदर है लेकिन अंदर तक लाइट रहेगी, कहीं पे भी खिड़की वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिज़ाइन ही ऐसा है कि सुबह से शाम तक अंदर तक लाइट रहती रहती है, क्या टेक्निक रहेगी उस टाइम की। ऊपर से पानी गिर रहा है, यहाँ पे पानी की टंकी है, हम लोगों को पता था पानी यहाँ से गिरेगा ऊपर से तो ये यहाँ पे जमा होगा, तो ये पानी जमा करने की भी एक टेक्निक अद्भुत है। गाइस ये था लेनेंद्री टेंपल जो अभी हम लोग ने देखा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके। और अभी यहाँ पे देखते हैं क्या है आगे, सब बंदर संभालने पड़ेंगे हम लोग को बस। यहाँ पे नहीं बनी हुई है, ये एक्चुअली बौद्धिस्ट मॉन्क जो रहते थे उनके घर है। आगे ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, तो यहाँ से वापस चले जाएंगे हम लोग। चलो देखने जैसा तो कुछ है नहीं, जो है बस यही है।
वापस जा रहे हैं अभी नीचे। ये देखो गाइस, ये यहाँ से ऊपर से तो गाइस ट्रैकिंग तो अपनी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, आधे तक उतर आए हैं, अभी आधा उतरना है नीचे, कुछ ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं नीचे जाके, जूस पीते हैं कहीं पे तो भी लेमन जूस वगैरह जो भी अच्छा मिल जाएगा। एक लिंबू सर हालत खराब है, लेमन जूस आ गया, लेमन जूस पी जाएगा। चेस तो अभी एग्जैक्टली बज गए हैं 4, तो कुछ 2:30 बजे निकले थे हम लोग ने, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम पास कर लिया तो 1.5 घंटा चला गया, लेकिन फिर भी ठीक है। ऊपर से नीचे आके मस्त लेमन सब जूस वगैरह पिया, ऊपर से आके मस्त लेमन जूस वगैरह पिया, फिर भी इतना कुछ डिफरेंस नहीं है टाइम का, बहुत जल्दी कवर हो गया। वैसे अभी एक यार GPS माउंट लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, अभी यहाँ से जुन्नर से जाना पड़ेगा हम लोग को, बस एक टर्न पता नहीं है मुझे, वो लेते हैं और फिर मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक जो टर्न है वो पता चल जाएगा बस, तो फिर दिक्कत नहीं। तो गणपति बप्पा मोरिया फिर से आएंगे वापस आपके दर्शन के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए निकलते हैं। तो आज धूप थी तो थोड़ी हालत ख़राब हो गई, लेकिन बारिश रहती तो शायद बहुत मज़ा आता था और उतनी तकलीफ़ नहीं होती थी। देखो ये लोग तो फिर भी साइकिल पे आके ऊपर चढ़े हैं, मतलब सोचो क्या कैपेसिटी रहेगी उन लोग की। और अभी तो गाड़ी एकदम आइडल मोड पे है, बंद तो नहीं करूँगा क्योंकि बंद नहीं करनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में गाड़ी। और व्यू देखो आप, एकदम बढ़िया, बेचारे अभी तक आ ही रहे, थक गए, पूरा दूर दूर तक देखो खुला हुआ है, बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि 2 दिन पहले इतनी बारिश थी कि पूछो ही मत, लग ही नहीं रहा है बिल्कुल देख के। लेनाद्री गणपति के बारे में थोड़ा सा बताने का रहेगा आप लोग को, तो सब अभी ऑब्वियसली सब लोगों को पता है कि माता पार्वती और भगवान शिव जी के बेटे हैं गणेश जी। तो माता पार्वती ने यहाँ पे तपस्या बोल सकते हैं हम लोग, तपस्या की थी और उसके बाद वहाँ पे गणेश जी ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तो गिरिजात्मक ये गणेश जी का नाम है, लेनाद्री के जो गणपति है गिरिजात्मक। तो ये कुछ स्टोरी है शॉर्ट एंड सिंपल जो आपको पता चले। तब से यहाँ पे वहाँ पे अंदर एक शिव जी का मंदिर भी था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि अलाउड नहीं है और काफ़ी अंधेरे में था वो मंदिर एक छोटा, और फिर बाहर आके वीडियो लिया। बहुत आश्चर्य लगता है ना ऐसे सुन के कि बिल्कुल भी अंदर ना कोई डोर है ना कोई खिड़की है, सिर्फ एक ही डोर है मेन डोर, ना कोई खिड़की है ना कोई पिलर है, फिर भी उसका डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि ऊपर से बाहर से अंदर तक पूरा सनलाइट जाता है। क्या टेक्निक यूज़ की रहेगी वहाँ पे भाई साहब, ये कौन सा शॉर्टकट ले लिया है पता नहीं। वो सामने देख रहे हो आप, वही शिवनेरी किला है शिवाजी महाराज का, और ये शायद जुन्नर के हम लोग शॉर्टकट से ही आए हैं, भी देखते हैं कैसे जाना है, रोड तो यही दिखा रहा है। गूगल मैप पे बिना संभाल के ही चलानी पड़ती है गाड़ी, गूगल मैप देख के पता नहीं कौन सा टर्न ले लें। हाँ ये कमान आ गई यहाँ से आगे, तो चलो बाहर रोड पे ही मिलता हूँ मैं आपको। तो आ गए हम पुणे वापस और सनसेट हो रहा है, सुबह शाम के बज गए 6:30, पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है, अभी पेट्रोल भरना पड़ेगा और अभी राइड एंड करने का टाइम आ चुका है, 1/2 घंटे में पहुँच जाएंगे घर पर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था अभी आते वक्त, हालत ख़राब हो गई ट्रैफिक में,
तो सुबह 9, 8:30 बजे जर्नी शुरू की थी और 6:30, 7 और आधे घंटे में हम लोग शायद घर पहुंच जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे का ब्लॉग जल्दी आएगा, भीमा शंकर ही प्लान चल रहा है, अभी देखते हैं कैसे होता है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।